हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी आर्ट एंड क्राफ्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सूट के ऊपर फैब्रिक पेन डिजाइन बना के तैयार करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये फ्लावर बर्ड्स बना के तैयार करेंगे। इस डिजाइन को आप सूट, साड़ी, बेडशीट, पिलो कवर या फिर और किसी भी कपड़े के ऊपर बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला डिजाइन है, तो आओ पेन शुरू करते हैं। कपड़े को हमने फ्रेम में लगा लिया है। ये हमने राउंड ब्रश लिया है और डार्क ग्रीन कलर लिया है। ब्रश के ऊपर डार्क ग्रीन कलर लगा के सबसे पहले हम टहनियां बनाएंगे। अब डार्क ग्रीन कलर से हम यहाँ पे पत्ते बनाएंगे। अब पत्ते के अंदर हम डार्क ग्रीन कलर को इस तरह से फिल करेंगे। इसी तरह हम डिजाइन में कहीं कहीं पे पत्ते बना लेंगे। ये हमने व्हाइट और रेड कलर लिया है। ये हमने एक खाली ट्रे ली है, इसके अंदर अब हम व्हाइट कलर निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर रेड कलर निकालेंगे। अब हमने फ्लैट ब्रश लिया है, ब्रश के एक किनारे पे हम व्हाइट कलर लगा लेंगे और दूसरे किनारे पे हम रेड कलर लगाएंगे। अब हम ब्रश को ट्रे के ऊपर इस तरह से चलाएंगे। इसी तरह हम और कलर लगा लेंगे और फिर से ब्रश को ट्रे के ऊपर चलाएंगे। इस तरह से हम कलर को मिक्स करेंगे। अब ब्रश को हम कपड़े के ऊपर इस तरह से चलाएंगे। व्हाइट और रेड कलर को हम ब्रश के ऊपर लगा के इसको मिक्स करके हम बर्ड्स का डिजाइन बनाते जाएंगे। इसी तरह हम और बर्ड्स भी बना लेंगे। कलर आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं।
ये हमारा बर्ड्स फ्लावर डिजाइन बनकर तैयार है। इसी तरह घर पे आप आसानी से किसी भी कपड़े के ऊपर इस डिजाइन को बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।